वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, यानी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो नेचुरल एंड मैनमेड अर्थक्वेक्स होते हैं, उन अर्थक्वेक्स के कारण जनरेटेड सिस्मिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके साइंटिस्ट ने अर्थ के इंटीरियर को अच्छे तरीके से मैप कर लिया है। साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी में जब चेंज होता है उसके बेसिस पे अर्थ को तीन जोन्स में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अब हम जानते हैं इन लेयर्स के बारे में। सो अर्थ का इंटीरियर तीन पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट। डेंसिटी के बेसिस पे क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट्स के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाई जाती है एंड ओशंस के नीचे ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर है एंड इसकी एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें पी वेव्स की वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। वहीं ओशनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर है, इसमें एवरेज डेंसिटी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है एंड इसमें पी वेव्स की वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर सेकेंड तक पाई जाती है। पी वेव्स की वेलोसिटी के बेसिस पे क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में पी वेव्स की वेलोसिटी 5.57 किलोमीटर पर सेकेंड होती है एंड लोअर क्रस्ट में 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अपर क्रस्ट सिलिकॉन एंड एलुमिनियम में रिच होता है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं एंड लोअर क्रस्ट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम में, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे आती है मेंटल। मेंटल क्रस्ट के नीचे होती है। मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, इसे एम डिस्कंटिन्यूटी या मोहो भी कहते हैं। मोहो से लेके 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक मेंटल होती है। तो इसकी जो थिकनेस है वो अर्थ के रेडियस से ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन अर्थ की टोटल वॉल्यूम का 83% और अर्थ के टोटल मास का 68% मेंटल में पाया जाता है। मेंटल में एवरेज डेंसिटी 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मेंटल मेनली ऐसी रॉक से मिलकर बना है जो कि आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट्स में रिच होती हैं। मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मोहो से 700 किलोमीटर की डेप्थ तक अपर मेंटल एंड 700 से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक लोअर मेंटल। अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में रैपिडली डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। तीसरी जो लेयर है वो है कोर। अर्थ का इनर मोस्ट जोन होता है कोर। कोर मेंटल के नीचे होती है। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कोर और मेंटल को सेपरेट करती है, इसे ओल्डहेम डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। कोर में मेनली आयरन एंड निकल पाए जाते हैं, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है एंड इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। 2900 किलोमीटर की डेप्थ से लेके 5155 किलोमीटर की डेप्थ तक आउटर कोर होती है। इसमें डेंसिटी 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 12.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। 5155 किलोमीटर की डेप्थ से अर्थ के सेंटर तक यानी 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक इनर कोर होती है। इसमें डेंसिटी 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 13.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। अब बात करते हैं दो और इम्पोर्टेंट लेयर्स की, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट रोल आता है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनती है। इसकी एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर्स होती है। ओशंस के नीचे इसकी थिकनेस कम होती है एंड कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। जितनी भी मेजर एंड माइनर प्लेट्स होती हैं वो लिथोस्फीयर की बनी होती हैं। दूसरा है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का वो पार्ट है जो लिथोस्फीयर के नीचे होता है और मोल्टन फॉर्म में होता है।
200 किलोमीटर की डेप्थ से लेके 700 किलोमीटर की डेप्थ के बीच में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिव्यू करते हैं। अर्थ का इंटीरियर तीन जोन्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, मेंटल एंड कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी जिसे ओल्डहैम डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल मिला के बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है।